क्यों ये हटाइए आप हटाइए लाइव लाइव सुनिए नहीं 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 सुनिए एक मिनट बंद करो थैंक यू जा रहे हैं हम बर्बाद करके रखे हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था को और ये लोग कैमरा देखते ही डर जाते हैं। बताइए अगर मैं कैमरा ऑन नहीं रखूं और ये कल आरोप लगा दिया कि मनीष कश्यप घुस के धांधली किया है तब मैं क्या करूंगा। ये प्रॉक्टर साहब है और ये बोल रहे कैमरा ऑफ कीजिए, इन लोगों के बच्चे पर नियम लगाइए कि इन लोगों के बच्चे जो है ना इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े जिस यूनिवर्सिटी में ये लोग काम करते हैं। ये लोग के बच्चे पढ़ेंगे दून स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में, गरीब का बच्चा पढ़ेगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। मौका दीजिए लोग आप लोग बिहार में बच्चों को जो है परफॉर्मेंस करने का। नहीं बात करेंगे हम आपसे सर, आप लोग पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोक्टर साहब इतना मनमानी करते हैं कि भीसी साहब संरक्षण दे रहे हैं, बीजेपी के नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलेज में कभी भी क्लास नहीं होती है, सर्वप्रथम क्लास नहीं होता, सेशन सबसे ज्यादा लेट होता। उसको पीछे करो, तुम मैं बोल रहा हूँ बाहर करो, पीछे रहो उसको पीछे करो। जाओ बाहर। हाँ बताओ कहाँ से आए आप? पटना से आए सर। हाँ बताइए, बैठ जाओ थोड़ा सा, मैं आपके पास आ जाता तो। नहीं नहीं बताओ तो किस बारे में पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रहा है, इसी के बारे में पूछना चाहते हैं सर। तो हम पूर्णिया विश्वविद्यालय के बारे में बताऊं कि बिहार के बारे में बताऊं? चलिए बिहार के बारे में आप नहीं बताइएगा। नहीं बिहार के बारे में भी बताऊंगा। चलिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के बारे में ही बता दीजिए सर। यहाँ पे पहला पाली का एग्जाम हो जाता है, दूसरा पाली रद्द कर दिया जाता है, दूसरा सेशन दूसरा एग्जाम हो जाता है, पहला रद्द कर दिया जाता है। अच्छा, तीन साल का कोर्स 3 साल में कम्प्लीट नहीं हो रहा है, छात्रावास का स्थिति सही नहीं है सर। ये सब गलत बोल रहे हो आप। 2018 में विश्वविद्यालय बना, 18 से 21 का रिजल्ट तो निकल चुका है सर। यहाँ के स्टूडेंट निकल चुका है, मैं जो बोल रहा हूँ ये भी तो खड़े हैं, स्टूडेंट लीडर है। 18 से 21 का रिजल्ट निकल चुका है। कोरोना में 2 साल तक महाविद्यालय बंद, बिहार सरकार के द्वारा बंद, कभी कोरोना हो जाता था तो विश्वविद्यालय बंद। ये पूर्णिया विश्वविद्यालय की नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्थिति थी, पूरे कोरोना की वजह से। सुनिए सुनिए हमारी बात, सुन लीजिए सर। क्या पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी का सेशन कोरोना के वजह से लेट नहीं हुआ? सुनिए बिहार का, एक मिनट सुनिए, आपको जानकारी नहीं है, मीडिया के हो अभी 2000 क्यों ये हटाइए आप हटाइए लाइव लाइव सुनिए नहीं 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 सुनिए एक मिनट बंद करो। थैंक यू जा रहे हैं हम। आप लोग बर्बाद करके रखे हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था को और ये लोग कैमरा देखते ही डर जाते हैं। बताइए अगर मैं कैमरा ऑन नहीं रखूं और ये कल आरोप लगा दिया कि मनीष कश्यप घुस के धांधली किया है तब मैं क्या करूंगा। ये प्रॉक्टर साहब है और ये बोल रहे हैं कैमरा ऑफ कीजिए, क्यों कैमरा ऑफ करूंगा भाई? ये लोग सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं कि नहीं? ये कार्यालय में सब जगह सीसीटीवी लगाए हैं, क्यों ये लोग ऐसे करते हैं बार बार? क्यों बिहार का यूनिवर्सिटी का सेशन जो है समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है? क्यों छात्रावास का स्थिति खराब है, बद से बदतर है? क्यों एग्जाम जो है सही समय पे नहीं लिया जा रहा है? कोरोना के समय में ये लोग सैलरी लेते हैं लेकिन बच्चों का जो है एग्जाम समय पे नहीं होता और प्रोक्टर साहब को गुस्सा आ जा रहा है, ये तो गलत बात है। अगर मैं कैमरा लेके घुस रहा हूं, मैं वहां पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो क्या गुनाह कर दे रहा हूं मैं? आप बताइए ना, मैंने आपको अपशब्द बोला, मैंने आपको गलत बोला, नहीं बोला तो आपको क्या दिक्कत है? आपने सब जगह सीसीटीवी लगवाया कि नहीं लगवाया? अगर मैं घुसूं आपके चैंबर में, दो कड़वे सवाल पूछ दूं और आप जाके थाने में केस कर दे मेरे खिलाफ कि मनीष कश्यप आके बदतमीजी किया, उस समय मैं क्या करूंगा? यह है सच्चाई। बिहार के शिक्षा मंत्री से विनती करना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम यूनिवर्सिटी को दुरुस्त कीजिए और जितने भी भीसी हैं, प्रो भीसी हैं, प्रॉक्टर हैं, जितने लोग हैं उन लोगों को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि वो लोग जब तक दुरुस्त नहीं होंगे तब तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं दुरुस्त होगा। और इन लोगों के बच्चे पर नियम लगाइए कि इन लोगों के बच्चे जो है ना इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े जिस यूनिवर्सिटी में ये लोग काम करते हैं। ये लोग के बच्चे पढ़ेंगे दून स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में, गरीब का बच्चा पढ़ेगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी में।
2-2 लाख रुपया सैलरी उठाते हैं लोग, ये लोग कहाँ से सैलरी आता है, वो पैसा कहाँ से आता है? कहे कि गरीब जो है ना मेहनत का कमीनी जो है ना बच्चा को देता है, उसका एडमिशन होता है, फॉर्म का पैसा, कॉपी का, एग्जामिनेशन फी का, डेवलपमेंट फीस का पैसा लेते हैं ये लोग और सैलरी उठा लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यह है सच्चाई। बिहार के लोग, आप लोग बताइए कि क्या बिहार में यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही है? बिहार के यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े अधिकारियों को जो है ना बाहर की यूनिवर्सिटियां पैसा देती है कि बिहार का सेशन लेट किया जाए ताकि बिहार के बच्चे जो है बाहर के यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़े। अगर बिहार के बच्चे जो है बिहार से बाहर जाके काबिलियत का झंडा गाड़ सकते हैं तो वो बिहार में भी गाड़ सकते हैं। मौका दीजिए लोग, आप लोग बिहार में बच्चों को जो है परफॉर्मेंस करने का। नहीं बात करेंगे हम आपसे सर, आप लोग बहुत यहाँ मनमानी है, ये सभी करके ऐसे प्रोक्टर है ये अपना दबंगई दिखाते हैं किसी को, मतलब बीसी साहब से हम लोग भी दबंगई दिखाएंगे, हम लोग भी दबंगई दिखाएंगे जैसा समझेंगे लोग। ये देखिए प्रशासनिक भवन नीतीश कुमार जी बनवाए हैं, नीतीश कुमार जी प्रशासनिक भवन तो बनवा दिए हैं, बिजेंद्र यादव, श्री कृष्ण नंद प्रसाद वर्मा जी भी आए थे, प्रोफेसर राजेश सिंह भी कुलपति उस समय यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। अगर मैं गलत करूं तो मुझे जेल में डाल दीजिए, ये लोग गलत करें तो इन लोगों को जेल में डाल दीजिए, बस। अगर जिस भी वीसी के अंतर्गत, जिस भी प्रोक्टर के अंतर्गत, जिस भी प्रो वीसी के अंतर्गत जो है ना किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाए उसका सैलरी रोक दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। और बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर वही बनेगा, बिहार के कॉलेज में प्रोफेसर वही बनेगा, बिहार के यूनिवर्सिटी में वीसी वही बनेगा जिनका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा। अगर इन लोगों का बच्चा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा तो नहीं बनेगा वीसी यहाँ का, तब जो है ये लोग जो है जाके सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। ये सभी गरीब का बच्चा पढ़ेगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, इन लोगों का बच्चा पढ़ेगा पुणे यूनिवर्सिटी में, नियम लगना चाहिए और तब जाके जो है दुरुस्त होगा। और एक सवाल पूछ दी, ये यार कैमरा से क्यों डर लगता है इन लोगों को? बिहार से बाहर जाता हूं मैं, किसी भी कार्यालय में कैमरा ऑन रहता है, उन लोगों को डर नहीं लगता है? लेकिन बिहार के सरकारी कार्यालय में जैसे कैमरा ऑन कीजिएगा ना, इन लोग का बीपी बढ़ जाता है। बताइए क्या क्या दिक्कत है पूर्णिया? दिक्कत यहाँ पे जो है, यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग इसी में पढ़ते हैं ना? यहीं के स्टूडेंट हैं हम। तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, यहाँ के स्टूडेंट झूठे हैं, वीसी के हिसाब से तो आप झूठे हैं। नहीं सर, दबंगई है, दबंगई है वो। आपको बता दें कि पार्ट सवाल है सर, हम पार्ट वन में है, 2 साल से मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, इस बार कैम वाला गलत कर दिया मेरा कुछ एडमिशन के ऑनलाइन के थ्रू, हमको निराशित कर दिया गया। अभी तो बोल रहे हैं सब की दुरुस्त है, बीसी को मनीष कश्यप आ रहा है, जितना पदाधिकारी को पता चला कि मनीष कश्यप पूर्णिया पहुंच रहा है वो लोग अभी तक नहीं आया है, और जब उसको बताया जाता है कि सर हम लोग क्वेश्चन जवाब करेंगे तो कुछ लोग ऑफिस बंद किए हुए, कुछ लोग फोन उठाना बंद कर दिया। यहाँ पीजी में हम घोटाला, कॉपी घोटाला हुआ है, 3.5 करोड़ लगभग कॉपी घोटाला हुआ है, और यहाँ का पदाधिकारी जिसको 3 साल बैठना चाहिए वो 4-5 साल से यहाँ बैठा हुआ है, उस मैटर में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को बरगलाया जाता है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोक्टर साहब इतना मनमानी करते हैं कि वीसी साहब संरक्षण दे रहे हैं, बीजेपी के नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं, आखिर तारकेश्वर प्रसाद कौन है कि उनको संरक्षण दे रहे हैं? तारकेश्वर प्रसाद ने ये पवन झा को संरक्षण देने का काम किया, ये यहाँ का प्रोक्टर जो है, ये प्रोक्टर छात्र नेताओं पे झूठा मुकदमा दर्ज करने का काम किया और यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन उनके इशारे पे चल रही है। हाँ, बोलिए सर, सौरभ बजाएगा। आप नॉर्मल सा बात बता दें सर, ये केस वाली जो बात आई है बिल्कुल सही है, ये हम लोग पाठड़ वाला रिजल्ट के लिए हम लोग मांग किए हुए थे, जो कि बहुत अनियमितता पाई गई थी, 45, 46, 36, 35 करके नंबर दिया गया था, वो भी रिटायर्ड टीचर से जचवाया गया कॉपी, और उसमें हम लोग को, मतलब जब हम लोग आंदोलन, हम लोग मांग किए तो हम लोग को प्रशासन के द्वारा हम लोग को धक्का मार के बाहर करने का काम किया। ये वीसी इतनी दबंगई इन लोग की चल रही है, जिस दिन जब तक बिहार में बच्चों को धक्का मरवा के जो है विश्वविद्यालय से निकाला जाएगा तब तक विश्वविद्यालय का कंडीशन सही नहीं होगा, जब विश्वविद्यालय में भ्रष्ट लोगों को धक्का मार के निकाल दिया जाएगा तब जाके कंडीशन सही होगा। कॉपी का बात जानते हैं सर, कॉपी का बात जान लीजिए, 3.5 करोड़ वाला ये बात आई है अभी, उसमें 5 साल का कॉपी पहले खरीद करके रखे हैं, किस बिना पे 5 करोड़ का पहले खरीद के रखे हैं? 5 करोड़ का कॉपी पहले से, 3.5 करोड़, 4 करोड़ का कॉपी पहले से, 5 साल का। बेहुदा जैसा छात्र नेता है तुम, मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगवाने आए हैं, नेता के पीछे करना सब। साल का पहले से कॉपी खरीदने का क्या मतलब तात्पर्य है? ये भी हमको, हम लोग को चाहिए ना, हम लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जानने का अधिकार हम लोग को भी है ना, तो पारदर्शिता क्यों नहीं है सामने में? सब कुछ करते हैं ये लोग अपने मन से, दबंगई अपने मन से, जहां कुछ होता है तुरंत 2 केस लाद देते हैं, चलो ये लोग बैठ जाएगा,
मतलब हम लोग पढ़ने भी आए और ऊपर से मुद्दा भी। आजाद भारत का आजाद राज्य बिहार में जब आजादी के साथ छात्र जो है अपना हक के लिए मांग उठाते हैं तो पटना में कूटा जाता है, और विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए मांग उठाते हैं तो यहाँ पे भी उन लोगों के ऊपर FIR कर दिया जाता है जो कहीं नहीं तो कहीं जो है गलत है। और विनती करना चाहता हूँ बिहार के सरकारी सिस्टम से, बिहार के नेताओं से और बिहार के सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारियों से कि आप लोग अपने बच्चों को जो है बिहार के सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल और सरकारी महाविद्यालय में पढ़ाइए, तब जाके जो है 2000 बच्चा का भविष्य चौपट में बिना मान्यता प्राप्त सब्जेक्ट में ऑनर्स उसको बना दिया गया था पहले, फिर ऑनर्स को जो है दूसरा महाविद्यालय में शिफ्ट करके उसको सुधार किया गया। अभी 2000 बच्चा सब्सिडी का मामला फंसा हुआ जिसका भविष्य अंधकार में है, और यह यूनिवर्सिटी बिना किसी नियम कायदा को रखते हुए उसका स्पेशल एग्जाम लेने की तैयारी में, और अभी जो पार्ट टू का रिजल्ट आएगा उसमें उन सब स्टूडेंट का जो है रिजल्ट को पेंडिंग करने की प्रक्रिया चल रही है। आज 5 महीना ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पर परीक्षा होती है अप्रैल माह में और उसका रिजल्ट प्रकाशित होता है अगस्त माह में, मतलब 3-4 माह के बाद उसका रिजल्ट प्रकाशित होता है, उस पर बावजूद भी उसमें भी जो है बच्चों का जो रिजल्ट आता है परीक्षा परिणाम में भारी धांधली होती है। बस जब तक CBI जांच जो है बिहार के सारे सरकारी यूनिवर्सिटियों पे नहीं बैठेगा तब तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि बिहार में जितना भी सरकारी यूनिवर्सिटी है उसके CBI जांच की आप लोग मांग करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भ्रष्ट लोग हैं यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे और जितने ईमानदार लोग हैं यूनिवर्सिटी में बैठेंगे तब जाके यूनिवर्सिटी का व्यवस्था दुरुस्त होगा। सबसे पहला सवाल है जो शिक्षा संस्थान का होना चाहिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलेज में कभी भी क्लास नहीं होती है। सर्वप्रथम क्लास नहीं होता, सेशन सबसे ज्यादा लेट होता है, अगर प्रदर्शन किया जाए तो केस का धमकी पूर्णिया विश्वविद्यालय के VC द्वारा दिया जाता है, केस कर देंगे, उठवा देंगे। अभी हम सर 2021 में मेरा इंटर फेलन हुआ है, अभी तक पार्ट 1 एडमिशन नहीं हुआ, मेरा 2 साल हो गया अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। हाँ बोलिए। मेरा पेमेंट कट गया सर, अब पेमेंट का रिसीविंग नहीं निकला, PG में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, मेरा पेमेंट कट गया और प्रिंट भी नहीं निकला। अभी हमको धमकी दे रहे थे ये क्या रिजेक्ट तेरा हो जाएगा, कुछ गलत हो गया है मेरा उसमें। जाते हैं IT सर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि इसका कोई समाधान नहीं है सर, हमारा एडमिशन नहीं होगा सर, हमारा यहाँ बच्चे एडमिशन के लिए 3-4 साल से परेशान होते, हर बार अप्लाई करते और एडमिशन नहीं होते। पिछले साल भी जो बच्चे एडमिशन किए उनका कटअप नहीं दिया गया कि आपका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, और इस बार भी वही हो रहा है। बोले ना छात्र लोग बताया पास, जिसके पास 10,000-20,000 रुपया है उसका एडमिशन हो जाएगा, आप गरीब रहे अमीर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पदाधिकारी लोग कुछ बैठे हुए हैं कि विश्वविद्यालय ऐसा जो कि पूर्णिया एक सीमांचल का अति पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, इसके बगल के विश्वविद्यालय मधेपुरा यूनिवर्सिटी, बगल के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पार्ट 1 में अप्लाई के लिए नामांकन अप्लाई चार्ज मात्र 300 रुपया है, जो विश्वविद्यालय है पूर्णिया विद्यालय यहाँ 600-700 रुपया अप्लाई चार्ज सिर्फ है और नामांकन चार्ज अलग है। बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनती करना चाहता हूँ कि बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे किया जाए और यूनिवर्सिटी में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जांच कराया जाए। केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि एक बार CAG से ऑडिट कराया जाए बिहार के यूनिवर्सिटियों का, तब जाके पता चलेगा 600-600 करोड़ रुपया का नुकसान जो है, घाटे में यूनिवर्सिटी कैसे चल रहा है। और एक और नियम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाय वाला का बेटा जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, और नीतीश कुमार जी आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी मास्टर हैं और जितने भी नेता हैं उनके सारे बच्चे जो है बिहार के सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में और सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तब जाके जो है सरकारी व्यवस्था दुरुस्त होगा। और अगर आप लोगों के नेताजी, आप लोगों के क्षेत्र के नेताजी के बच्चे और सरकारी अधिकारियों के बच्चे इन सरकारी संस्थाओं में नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, तो उनका आप लोग विरोध कीजिए। ये आप लोग सेल्फी तो लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब मेरे ऊपर केस हो जाता है तो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्या नहीं आवाज? अभी मैं आया हूँ पूर्णिया में, अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो अनियमितता है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। आप लोग फोटो ले रहे हैं, घर पे जाते हैं भूल जाते हैं। अगर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए आयरन झूला मैटर था तो हमें यहाँ से हम लोग कर रहे थे। बिहार के अगर सिर्फ और सिर्फ 10% युवा बिहार के लिए लड़ना शुरू कर दे, सिर्फ बिहार के लिए लड़ना शुरू कर दे तो ऐसा यूनिवर्सिटी जो है ना जिसका विश्वविद्यालय का यह गायब हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। देखिए भ्रष्टाचार कौन कर रहा है उसके ऊपर प्रोक्टर साहब का नजर
नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ इनका नजर जरूर है। ये देख सकते हैं ऊपर जो है यह गायब है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, तो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो बिहार छोड़ के गायब हो जाएंगे। अगर सिर्फ सिर्फ बिहार का 10% लोग बिहार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दे तो बाकी इन युवाओं के बीच में हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इन लोगों का ये जुनून कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये दो चीज को अगर बिहार के लोगों ने दुरुस्त करा दिया तो बिहार ऑटोमेटिक बीमार राज्य से विकसित राज्य की ओर दौड़ निकलेगा। जय हिंद।